विद्यापति मिश्र एडवोकेट हाई कोर्ट जान से मार देंगे पति साहब का तख्ती चुरा रहा है हा? अरे नहीं नहीं हम चुरा नहीं रहे हम तो सिर्फ छू कर देख रहे थे भाई छू के देख रहे हैं ईका तो महारानू है जो छू के देख रहे हैं वो क्या है कि मेरा एक लेडीज बियर बार है लाइसेंस है हाँ उसमें बाहर बालाएं काम करती है बालाएं धंधा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन गाँव से मेरा भाई आया वहाँ सूखा पड़ा है वो बर्बाद हो गया अब वो यहाँ आकर मुझसे कहता है कि होटल बेचो मेरा हिस्सा मुझे दो क्या हुआ अगर मैं होटल बेच दूंगा तो मेरी बार बालाएं विधवा हो जाएंगी कितने लोग भूखे मर जाएंगे और मैं ये नहीं होने देना चाहता इसलिए मैं उसके ऊपर केस करना चाहता हूँ उस पर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए कार्रवाई तो इस मुकदमे की 2 साल से चल रही है योर ऑनर मेरा ख्याल है फैसला सुना दीजिए इस केस में कोई दम नहीं है योर ऑनर हमारे फाजिल दोस्त कोर्ट को वरगला रहे हैं कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं ये आदमी चोर है एक नंबर का भैंस चोर योर ऑनर बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ मेरा मुवक्किल एक रात एक हॉरर भयानक फिल्म देखकर लौट रहा था लास्ट शो उस फिल्म में मैंने भी काम किया था योर ऑनर इसीलिए तो भयानक थी वो तो जब वो बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई जोरदार बारिश शहर की लाइट चली गई एज यूजुअल अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अचानक बिजली चमकी तो उसे एक जगह एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी उसने वो रस्सी उठा ली और लेके चल पड़ा उसे पता ही नहीं था कि रस्सी बहुत लंबी है और रस्सी के दूसरे छेड़े पर एक भैंस बंधी हुई है order, order. आप कहना क्या चाहते हैं मेरा मुवक्किल जो है वो रस्सी का एक छेड़ा घर ले आया दूसरे छेड़े पर जो भैंस थी वो खुद ब खुद उसके घर आ गई तो इससे साफ जाहिर है कि मेरे मुवक्किल ने कोई चोरी नहीं की जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ कुछ अनजाने में नहीं हुआ इसे सजा मिलनी ही चाहिए ये गुनाहगार है और चोर है इस केस की सुनवाई अगले महीने की 27 तारीख तक मुलतवी की जाती है फिर तारीख अरे क्या है यार तारीख श्रीमान
अबे पिछले 30 साल से सिर्फ तारीख ही मिल रही है, इंसाफ तो मिलता नहीं है। धीरज रखिए, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अरे मगर इधर तो अंधेर ही अंधेर है। वो तो है साहब, वो विमान स्थल चलना है ना। ये कौन है? एयरपोर्ट पे। ओ हाँ, अपना कुकू आ रहा है। आपने उसे देखा तो है ना? अबे अपनी गोद में खिलाया जब वो इतना सा था। इतना सा था? नहीं मतलब इतना सा था। अब तो वो जवान हो गया होगा ना साहब? हाँ वो तो है। आप उसे पहचानेंगे कैसे बताइए? है तो मुश्किल, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इससे पहचानूंगा अपने दोस्त के बेटे को। तेरा सत्यानाश हो, गंदी नाली के सिंगाड़े, सारे हिंदुस्तान के नालियों का कीचड़ तेरी आंख में चला गया क्या? पैर तोड़ दिया कमल। कमाल का प्राणी है साहब, आपसे क्षमा तक नहीं मांगी, आपके चरण कमल कूद के चला गया। लगता है अस्तबल में पैदा हुआ था, घोड़े की औलाद, पैर में नाल लगा हुआ था यार। अरे साहब ये अवश्य कुकु भैया। हाँ यही है मेरे दोस्त का बेटा। अरे बेटा तुम कहाँ रुक गए थे, इतनी देर बातें करते हैं। मुंह पकड़, बात मत कर। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ यार। अरे आप गा भी नहीं सकते हो यार, बन्ने का गुलफा कव्वाल से मुकाबला आसान बात नहीं है। भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे बेशक बात कीजिए, बात निकलेगी तो फिर। अरे कुछ सुना नहीं दे रहा है, जरा दोस्त से बोल, मैं सड़क पे हूँ। अरे पाया की झनकार, रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा, रस्ते। अरे तू कौन से रस्ते पे ले जा रहा है मेरे भाई? एक मिनट, गाड़ी रोक साइड पे ले मेरे बाबा, मेरे भैया हो जाना। हाँ नहीं मैं समझ गया, नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग अभी, अच्छा ये रिक्शा नहीं चला रहा, मुझे चला रहा है। एक मिनट जरा मैं देखता हूँ। आ गए हम तेरे साथ साथ चल के, दे दूं के तेरे मुंह पे दो चार हल्के पुलके। अरे बन्ने मिया कैसे आप भाई, आखिर माजरा क्या है? माजरा क्या है मुझसे पूछिए, ये जो बाजरा है मुझे 4 घंटे से घुमा रहा है, जहाँ मुझे पहुँचा रहा है वहाँ नहीं पहुँचा रहा है, जा रहा है। बन्ने मिया आपसे ये उम्मीद ना थी। जो इन्होंने मुझे पता दिया है पहुँचवाने के लिए, जरा आप पहुँचा के बताइए। बताइए। अरे ये तो करंट प्लेस का एड्रेस है, और ये जगह तो कहीं दिल्ली में आती है। बाप रे, ये तो मेरा कार्ड है, मैंने गलती से आपको मेरा कार्ड दे दिया। भाई साहब मैंने 15 बार आपको हिला करके इशारे किए, लेकिन आप तो फोन से इस तरह चिपके हुए थे जैसे वो फिल्म मुगले आजम में शहजादा सलीम अनारकली से चिपके हुए थे। न वो सलीम अनारकली को छोड़ रहे थे, ना फोन को छोड़ रहे थे। मुगले आजम भाई मुझे माफ करना, मुझे क्या मालूम कि मुझे आप एड्रेस दिखाने के लिए इशारा कर रहे हैं, मुझे लगा आप कव्वाली सुनने के लिए इशारा कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी भाई यार, डॉक्टर साहब मैं कोई बात नहीं है। अब आप इनको सही पता बता दीजिए, ये आपको वहाँ छोड़ आएंगे। चलिए मुझे जाना है, मुझे थाना पहुँचना है। चलिए गाना नहीं, मुझे पुलिस थाना जाना है, गाना नहीं। विद्यापति, अरे विद्यापति, तुझे खुदा हैरत करे काहे का पति, अरे हजारों सुहागरों का सुहाग लूट लूट के पति बनाए का बखत मेरे परदेसी भाई। मैं तुझे किसी अच्छे वकील के पास लेके जाता हूँ, इसके पास नहीं जा रहा भूल के भी। ये खटपलों का बाप है, अपने क्लाइंट का खून चूसता है यार। इसका मतलब है आप इनको जानते हैं? इसका मतलब है आप भी इनके जाल में फंसे हुए हैं? अरे मेरी क्या औकात है जनाब, ये तो मेरे वालिद मरहूम नन्हे खान है, इनसे केस में फंसाया आपने आपको। एक बार मैंने समझा दिया कि मैं अपने दोस्त के बेटे कन्हैया को लेने एयरपोर्ट गया था, वहाँ बाई मिस्टेक ये कांटे कुमार मेरे हाथ लग गए। फूल कुमार, ये फूल कुमार हाथ में चुभ गया। आज मैंने किडनैपिंग के रैकेट के किंग पिन को पकड़ा है। मेरी वर्दी पर एक और स्टार लगेगा और चक्की पीसेंगे आप जेल में, क्योंकि मेरे पास दो गवाह हैं जिनके बेटे को तुमने किडनैप किया है। श्रीमान ये आप पे अपहरण का आरोप लगा रहा है। अबे तू मुझे जानता है, अब तू दूध देख और दूध में से तेल की धार दे। दूध में से तो दूध की धार निकलती है। वो पहले जमाने की बात थी, आज मिलावट का जमाना है, आज दूध में से तेल की धार निकलती है। और अब मैं सबसे पहले इन दो गवाहों को अंदर कराऊंगा। क्या वकील साहब आप ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा बेटा मिल गया, हम अपना केस वापस लेते हैं। मजाक है क्या, हमारे मासूम बच्चे को किडनैप किया और आप केस वापस ले रहे हैं? मासूम बच्चा, ये इसको आप मासूम बच्चा बोलती है, मतलब जानती है इसका?
बोल, मैंने तेरे को किडनैप किया था, बोला। अरे ये बोल नहीं सकता, ये गुंगा है। हेलो साहब, हमारे साहब से बात कीजिए। एक मिनट जरा ये इंस्पेक्टर को समझा दीजिए तो। ले बे, बात कर। कौन है? बात कीजिए आप। बात करना है। हेलो, कौन? यस सर, नो सर, नहीं सर, माफ कीजिए सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था आप कमिश्नर साहब के इतने अच्छे दोस्त हैं सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, देखिए ये मेरा पहला कसूर है, फर्स्ट ऑफेंस सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी तक तो बोल धड़े मारा था बिल्ली की तरह, बिल्ली की तरह शेर की तरह, नहीं नहीं बिल्ली। तो मैं चक्की पीसने चलूं जेल में? नहीं सर, मैं आपके यहाँ के चक्की पीसूंगा सर, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उसमें मेरा कसूर है? नहीं, क्यों पैदा किया? क्षमा प्रदान कर दीजिए, इसके वाकई में दो पिल्लू हैं। अच्छा, पिल्लू हैं? बच्चे बच्चे। अच्छा चल, इसके कहने में माफ करता हूँ जी, मगर ये चमेली जान को तो नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे घर में घुस के मुझे धमकी दी है। हाँ बिल्कुल, वकील साहब इसे माफ कर दीजिए, ये फूल कुमार की माँ बड़ी नादान है। इनको तो इनका बेटा मिल गया, मेरे दोस्त का बेटा कुकू वो जाने कहाँ हो गया यार। पुलिस! अरे बाप रे, कहाँ लेकर आए भाई आप? अरे उतरिए मियाँ, कहाँ आप ही, ये पुलिस की गीदड़ भपकियों में आ गए, तमाशा चलता है ये, वैसे ही आपके शहशाह लूटू खाओ की कब्रगाह आ गई। मगर ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्यों आई थी? जरूर रेट पड़ी होगी कमबख्त के यहाँ। अरे आप यार खामखा खुदनस खाए जा रहे हैं। मियाँ जब तुम उसे मिलने जाओगे तो तुम्हें अपने गले लगा लेगा। और तुम उसके गले लगते वक्त उसे इतनी जोर से भेजते कि उसकी दो तीन पसलियां चढ़क जाएं। देखिए भाई साहब, मैं कोई WWF का सुमो पहलवान नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप एक और कर्म कीजिए, जब आप उस नामुराद से मिलने उसके सामने जाएंगे और कदम बोसी के लिए झुकेंगे तो उसका बकत के दोनों पांव पकड़ के ऐसे खींचना कि वो अपने कुल और कमर के बल गिरे। भाई मुझे तुम्हारी दुआएं भी बददुआएं लग रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते भैया कि तुम इस यतीम की मदद नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, मैं पहली बार इनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं इनसे मिलूंगा, इनको परखूंगा, देखूंगा अगर वाकई ऐसे है जिस तरह आप कह रहे हैं तो फिर मैं आपकी मदद करने की सोचूंगा ना भाई। इतना जितना आपने कह दिया उतना ही मेरे कलेजे के ठंडक के लिए काफी है। वेरी गुड, अब ये रिक्शा भी ठंडा हो गया है, इस पे बैठ जाइए, इसको गर्म कीजिए और धंधे पे जाइए। मैं तो अंधा हो गया यार पूरा। भाई साहब अपना फोन तो लेते जाइए, बड़ा खूबसूरत पीस है। धन्यवाद। खुदा करे इस बंगले में आग लग जाए। ये धुआं कहाँ से उठता है? अरे क्या पकड़ कर, अबे टांग छोड़, टांग अबे छोड़। अबे जुगलबंदी करा क्या? अरे जुगलबंदी नहीं, ये देखो वो तो आग लगी, मैं क्या आग लगाने वाला लगता हूँ? अबे फैन ऑन कर, तेरा नाम क्या है? अबे टांगे जाके फैन ऑन कर, उल्लू का पट्टा गधे की तरह खड़ा है यहाँ पर। सी 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 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है तू? श्रीमान श्रीमान, ये वही है जिसने विमान सल पर आपके चरण कुंदे थे। वहाँ मेरा एक पैर कुचला तो पेट नहीं भरा तो दूसरा पैर कुचला नहीं आ गया? मैं आपके पैर कुचलने नहीं, मैं आपके पैर छूने आया हूँ अंकल। पैर छूने आया? श्रीमान किसी अप्रचित मनुष्य को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देने चाहिए, अपना परिचय दीजिए महाशय। तो श्रीमान, मैं श्रीमान विद्यापति के परम मित्र नंदलाल चौधरी का सुपुत्र कन्हैया हूँ। तू कन्हैया? नंदू का बेटा? अबे मैं तेरे बदले किसी और को उठा लाया था, कोई मिला कि नहीं यार? बहुत साल पहले तेरे को जब तू 2 साल का था ना तब देखा था, तू इतना सा था, तेरे में से कुछ आवाज आ रही है। चुरा थोड़ी ना। सॉरी बेटे, तेरे कुछ बीमारी है? कैसी कैसी आवाज निकल रहा है? नहीं, ये मेरा दोस्त अफ्रीका से, वो कबीले का सरदार है। ये लैंग्वेज? तब तक तुम थक गए हो, अपने कमरे में आराम करो, मैं जरा अपने क्लाइंट से मिल के आता हूँ। अच्छा, मैं भी अपने दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। Hey ladies, the tax man is coming. He's coming to get you!
When I see you walking down the street, I can tell you wanna turn on the heat. You do your thing, you pretty good. Look what you do to my world. Now I'm all messed up, what do I do? I'm gonna send the dance man after you. That's like a oh. That's like a oh. Hey, that's like a oh, mama. Hey, that's like a oh. Biggity pay. से आए और आप दीदार हो रहे हैं। अब ये बताओ आप लोगों की दुकान कैसे चल रही है? उस्ताद फैंटास्टिक। हाँ? आप जो हांडी पकाकर गए थे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर हम सब अपना पेट भर लेते हैं। अरे यार उस्ताद, एक प्रोग्राम मिला है और उसकी रिसर्च चल रही है। अब आप आ गए हो ना, तो प्लीज हम लोगों को गाइड कर देना। अरे क्या बात okay? है, चलो लेट्स गो लेट्स गो। बाद में अभी तो भाईजान थके हुए आए हैं, पहले इन्हें कुछ खिलाते हैं। हाँ तो सही यार, खिलाओ, ऐसा कुछ करो। यार किसी ने मेरा मोबाइल साफ कर दिया। कब, कहाँ? अंधेरी में। अब वो मोबाइल भूल जाइए, अब नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, भूल गया, मगर मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा यार। मोबाइल की बगैर लाइफ में बड़ा पंगा है यार। बात तो सही है आपकी। बात तो सही है ना? बात तो सही है, मानते हैं आप? हाँ। तो खाना खिलाओ ना यार। अरे चलो यार उस्ताद, चलो चलो। अरे हेलो हेलो विद्या, मैं बोल रहा हूँ। वो हमारे बिलकरिया वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अरे हाँ पहुँच गया यार, तू फिक्र मत कर। अरे कैसे फिक्र ना करूँ यार, जब से गया है एक फोन तक नहीं किया। जरा मेरी बात करवाना उससे। अच्छी पहले हमारी बात कराओ ना। पहले मेरी बात तो हो जाने दे, बीच में मुंह मारती है। ये कौन बीच में मुंह मार रहा है? कोई गाय पास में खड़ी है क्या? अरे नहीं यार, भैंस के पास हूँ। भैंस? घर में भैंस पाल के रखा है तूने? हमका फोन दो, हम बात करब अपने कन्हैया से। दो अरे कन्हैया की मैया, ये मैं अपने यार से बात कर रहा हूँ। कन्हैया घर पर नहीं है, बात करती है। हाँ कुछ नहीं यार। हाँ यार वो कन्हैया आए तो बात करवाना, उसकी अम्मा से पहले बात करवा देना, वो मरी जा रही है। हाँ अरे यार इतना वक्त हो गया है, अभी तक नहीं लौटा वो।
आए तो अच्छी तरह से खबर लेना उसकी। हाँ हाँ मैं इसकी खबर लूंगा, उसको आने तो दे, मैं उसे फोन भी कराता हूँ और पूरा सेट भी कर देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। कभी कुकु भाई आएगा कमबख्त की कब्रिस्तान में कम। अरे वाह कुकु भाई, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो मुझे इस कब्रिस्तान तक दोबारा ले आई है। अरे भैया आप मेरे पीछे यूं पड़े हैं जैसे अमेरिका लादेन के पीछे पड़ा हुआ, क्या बिगाड़। अरे वाह, दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, ये पहचानो। ये आपको कैसे मिल गया? इसके लिए तो मैं परेशान हो गया था मेरे भाई। अरे, अरे कुछ नहीं भैया, एक जगह हम रिक्शा लगाए बैठे थे, एक आदमी आया कहने लगा मैं तेली गली ले चलो, मैंने कहा पागल तू तेली गली ही में तो है, कहने लगा गोरेगांव ले चलो, मैंने कहा बैठ जाओ, उसके बैठते पीछे से शोर वगैरह शुरू हुआ, चोर चोर चोर, हम घबरा के बाहर देखे, वो हमारा बाहर देखना और इसका इस दरवाजे से गायब होना, हम परेशान हो गए, अचानक पीछे की सीट पे टेलीफोन की घंटी बजी, एक चिड़िया चहचहा रही थी, हमने देखते कहा ये जरूर हमारे कुकु भाई की है, हम लेके आपके दोजक में पहुंच गए, लेकिन हमें खुशी है कि हम यहाँ आए। भाई आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई तरीके से भी आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, बल्कि इस कब्रिस्तान में जो आखिरी दिया टिमटिमा रहा है ना, उसे फूक 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 मार के बुझा दीजिए। साहब पानी मेरे सर पे डाल दे। जी साहब। जोगत कहीं का क्या कर रहा है? पानी सर पे डाल रहा है। लुका पटा तू हंस रहा है, तूने हिला दिया, तू हंस रहा है। आराम से खाइए, आप ही का माल है पानी। तू ये खाने की वजह से हिचकी नहीं आ रही है, जरूर मेरा कोई दोस्त याद कर रहा होगा, उसकी वजह से हिचकी आ रही है। दोस्त नहीं अंकल, कोई दुश्मन होगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी फैन है, हमारी एक शान है। अच्छा एक से तो मैं बिल के आ रहा हूँ, जो आपकी शान को कूड़े जान साबित कर रहा था। जरूर मेरे को घटिया सा क्लाइंट होगा, क्या नाम था उसका? बन्ने रिक्शा वाला था। मेरे क्लाइंट रिक्शा में नहीं मर्सिडीज में आते हैं। अच्छा ये और बात है कि वापसी में रिक्शा में जाते हैं। तेरे में से आवाज आ रही है, क्या है ये, फट गया है क्या? फटा नहीं, फोन है, आ गया वो लागे थे रिक्शा वाले ने। हेलो उसने पूछा खाना खाया क्या, मैंने कहा खाया। तूने बोला खाया? इसके लिए इतना बोलना पड़ता है? ये कबीले की लैंग्वेज है ना। बड़ी घटिया लैंग्वेज है यार। अच्छी तू मेरे को सिखाता है, मेरी बेटी के सामने बोलूंगा पागल हो जाएगी। अभी क्या सही है वो? अभी तक तो सही है, तू आ गया है अब वो जरूर पागल हो जाएगी। मेरे सारे नौकरों को तो पागल कर दिया तूने, आधा मुझे कर दिया है। मानते ना कब आ रही है? हाय पिंकी। अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सास तो लेने दे, दे दूंगी पार्टी, अभी जल्दी क्या है? अब तो देख मुझे बोर मत करा प्लीज। अरे तू आ गई बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी कहाँ हैं? डैडी दिखाई नहीं दे रहे। वो मेहमान खाने में। मेहमान खाने में? क्या कोई मेहमान आया है? दिल्ली से कुकु आए। कुकु? ये जरूर नंदू अंकल के बेटे होंगे राइट? आप उन्हें जानती है? जानती तो हूँ पर कभी मिली नहीं हूँ। चाचा प्लीज गाड़ी में से सामान निकाल दीजिए। अरे मैं निकाल लेता हूँ, आप बेफिक्र रहे। एक लंबा तिर तो करना भर भर खड़कुम बाफा को लंबा सड़कम। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ। इतने लंबे का मतलब? Yes. तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा, आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोल रहा है? अरे बेटी लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। कन्हैया प्यार से लोग इन्हें कुकु कहते हैं राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे। बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं अपने फार्मर्स फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा, इसके बाद बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बात बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। ऐसा लगता है बकरा डैटिंग पे था, चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं 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 मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था लगता था प्लेट भी खा जाएगा।
वो तो अभी भी खा सकता हूँ अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के वक्त फोन नहीं उठाते। बेटी मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके ठीक है ठीक है, आता हूँ। कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा रहा। बुरा गा गया क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये वादा। ये आपकी दवाई, वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी इसको घुमा देना, मतलब घुमा देना। आइए आता हूँ। और ये देखिए, डैडी ने 5 साल पहले ये सारी जमीन खरीदी। यहाँ से लेके वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो सारी जमीन हमारी है। और ये पेड़ के उस तरफ? उस तरफ की जमीन वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। अच्छा। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिल के गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? खैर को बात नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हैं, मिलकर खुश रहेंगे आप। चलिए। नहीं नहीं नहीं, बाद में, पहले मुझे अपनी फ्रेंड संगीता से मिलना है, जो पूरे 3 महीने बाद लौटी है ससुराल से, पहले उसे मिलती है। चलो ओके यस कम ऑन लेट्स गो। संगीता, काजल। संगीता, संगीता। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। ओह माय गॉड, ये सब क्या है संगीता? कहा ना कुछ नहीं हुआ, आप बैठो ना प्लीज। झूठ मत बोल, सारी पीठ का भुर्ता बना हुआ है, बता ना कहाँ से ये लगी है तुम्हारी पीठ पर? ये लकीर मुझे उसने दिया जिसके नाम के सिंदूर की लकीर मैं रोज अपने मांग में खींचती हूँ। तू तो हमेशा कहा करती थी शादी जिंदगी का सौदा है, और जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी हो पहले उसे देखो समझो और फिर शादी करो। माँ बाप के कहने के ऊपर जो लड़की किसी अनजान आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है वो बेवकूफ होती है, यही कहा करती ना तुम? बोलो। मैं तो अब भी यही कहती हूँ काजल। काजल, माँ बाप अपने अपने औलाद के दुश्मन नहीं होते। डैडी ने मुझे कई अरेंज मैरिजेस के एग्जांपल्स दिए जो आज भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने सोचा आंखें बंद करके एक बार ये बाजी हम भी खेल लेते हैं। बाजी खेली और हार गई मैं। संगीता रो मत, मत रो। काजल, मैं ये अरेंज मैरिज की बाजी खेलकर हार गई हूँ, तुम ये बाजी मत खेलना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो जो हालत मेरी हुई है वो तुम्हारी हो। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो और मैं अपना रोना लेकर बैठ गई। देखो तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, हाँ मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। ओके अच्छा ये बताओ क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं, मैं भी चलती हूँ, फिर आओगी। एक्सक्यूज मी, आपके पास रुमाल या नैपकिन है? मेरा रोने को दिल कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई उदास चेहरा देखता हूँ ना मेरा दहाड़े मार कर रोने को दिल करता है, और मेरा रोना भी बहुत सॉलिड है। आप प्लीज मजाक बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, जबान तो खुल गई। अब लगे आ तो ये भी बता दीजिए कि आपकी सहेली के साथ किस बात पर झगड़ा हुआ है? आपसे किसने कह दिया कि मेरा संगीता के साथ झगड़ा हुआ है?
ये आपका उखड़ा हुआ मूड उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। हम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता। संगीता मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है, बहुत ही प्यारी लड़की। आपने मुझसे अभी मिलवाया नहीं? एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है इसलिए। ओके, तब जब ठीक हो तो मिल लेंगे। मगर मुझे आपकी बहुत फिक्र है क्योंकि अंकल ने जब तक मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है। उसे ठीक करने के लिए मैं अपनी तूफानी मंडली से मिलवाना चाहता हूँ आपको। तूफानी मंडली? अरे माल माल जपना है, पराया मार अपना। जो हो खुशहाल रहना तो ये गुर याद रखना, समझे भैया। जो हो खुशहाल रहना तो ये गुर याद रखना। माल माल जपना पराया माल अपना, माल माल जपना पराया माल अपना। जो हो खुशहाल रहना तो ये गुर याद रखना। माल माल जपना पराया माल अपना, माल माल जपना पराया माल अपना। जिसकी लाठी है से उसी की, जिसकी लाठी है से उसी की। कह गए हैं पुरखे वो सारे, कह गए हैं पुरखे वो सारे। माल की माला जपते रहना, माल की माला जपते रहना। हो जाएंगे मारे न्यारे, हो जाएंगे मारे न्यारे। बाद में तू दुनिया को नचाए माल के ताल पे प्यारे, माल के धुन पे कमर हिला के मटके फिर के मटके फिर के मखना। माल माल जपना पराया माल अपना, माल माल जपना पराया माल अपना। जो हो खुशहाल रहना तो ये गुण याद रखना, समझे भैया। जो हो खुशहाल रहना तो ये गुण याद रखना, जो हो खुशहाल रहना तो ये गुण याद रखना। माल माल जपना पराया माल अपना, माल माल जपना पराया माल अपना। माल माल जपना पराया माल अपना, माल माल जपना पराया माल अपना। माल माल जपना पराया माल अपना, अरे माल माल जपना पराया माल अपना। जानत हो कहीं कौन है? कौन है? हमरे बुआ की ससुर की पोती की पोती की नाती की बेटी की बेटी है। ना समझे फिर समझा। अरे नहीं, मेरी बात नहीं, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये जो बहुत नजदीकी रिश्ता तुमने मुझे बताया है ना, इसी को अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूं तो कंप्यूटर का भी भेजा फट जाएगा। बात करती है अजी, इस छोरी हमें बहुत पसंद है, कुकुआ की बात चलाए। अरे ओ अकल की दुश्मन, मैंने कुकू को लड़की देखने के लिए ही भेजा है। बात करती है। इसका मतलब है कुकुआ मुंबई वकील साहब की फैक्ट्री नहीं, उनकी बिटिया काजल को देखे गया है। अरे बड़ी प्यारी है वो। प्यारी तो है वो, लेकिन पता नहीं उसे हमारा कुकु पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अजी जरूर पसंद आएगा, अब कौनो देर लगाने की जरूरत नहीं। फौरन फोन लगाओ काजल बिटिया को और बात पक्की करो। हेलो, कौन? अरे बिटिया मैं बोल रहा हूँ, अंकल नंदू। कैसी है तू? अंकल आप इस वक्त? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बेटी, तो हमारे कुकु से, मेरा मतलब है हमारे बेटा कन्हैया से मिली। कैसा है वो? अच्छे है अंकल, बहुत अच्छे। आज मैं उन्हीं के साथ थी। कहती है कि मैं आज उसी के साथ ही।
चल बिटिया, मैंने कुकू को वहाँ इसलिए भेजा है कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, ताकि हम जल्दी से तुम दोनों को एक कर दे। एक कर दे? अंकल मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी कर दे। परसों पहले तुम्हारे डैडी और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया था। तुम्हारे डैडी कनाडा से बस लौट आए तो हम तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। वैसे कुकु तुम्हें पसंद है ना? हेलो 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 काजल बेटिया, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, लो फोन की घंटी बजा गई। मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पड़ा हुआ था, ये कहाँ पड़ी हुई है? काजल जी बैठो बैठो। फजलू चाचा, फजलू भाई तो नीचे हैं, लेकिन आप काजल बिटिया के कमरा में कहाँ करत रहे? अरे मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। कहाँ? बिटिया कमरा में नहीं है। अगर वो कमरा में होती तो मैं कहाँ उन्हें ढूंढता था, अकल की रस्सी थाम। अरे पांडे, तुमने बिटिया को चाय दी कमरे में? नहीं दिया, नहीं दिया। सुनिए, काजल जी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो सुबह की चाय पी के सो जाती, फिर 10-11 बजे तक उठती है। देखते हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे कुकु, ये काजल का उसका फोन बंद है क्या? मैं जब भी बात करता हूँ फोन उठाती नहीं हो। जी वो मॉर्निंग वॉक पर गई है। मॉर्निंग वॉक? पहले तो कभी नहीं गई। आज गई ना अंकल, मैंने उसे समझाया कि वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। अच्छा, और मैं परसों आ रहा हूँ। जी जी, मैं जरूर कहूँ जी। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठीक बढ़िया। अच्छा। अरे रे 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 रे, कुकु भैया झूठ काहे बोल रहे हो? तो क्या बोलता, काजल घर से गायब है? आप ठीक कह रहे हैं बेटा, सेठ जी परदेश में सुन के परेशान हो जाते, वो जानते हैं काजल बिटिया इतनी जल्दी नहीं उठती है। अरे उठ गई होगी, बाहर निकल गई होगी। वो अपना मोबाइल फोन लिए बगैर बाहर नहीं जाती है। हाँ जरूर कोनो गड़बड़ है, हम तो कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर दो भैया। दीवाने हो गए क्या? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप, अंकल इतने बड़े आदमी हैं, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कल शहर के पेपरों में छप जाएगा कि वकील की बेटी भाग गई घर से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो सकता हो अपनी किसी सहेली क्या गई हो? यस करेक्ट, संगीता से मिलने गई हो। अच्छा अच्छा, तो वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके बाय। हेलो सर। हेलो, यस काजल आई थी यहाँ? काजल? अच्छा अच्छा, वो वकील साहब की बेटी? जी नहीं, वो तो नहीं आई थी। ओके यू आर वेलकम। हेलो पांडे। हाँ कुकु भैया। काजल आ गई? बिटिया नहीं आए। अरे मैं भी परेशान हूँ यार। फजलू चाचा, बिटिया घर नहीं आई। अरे उसकी सारी सहेलियों क्या ढूंढ चुका हूँ यार, पता नहीं काजल कहाँ लापता हो गई है। अरे गुरु आ जाएगी, ज्यादा फिक्र मत करो। अरे कैसे फिक्र नहीं करूँ यार, अंकल मुझसे बोल गए कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, जब वो लौटेंगे तो क्या जवाब दूंगा? उस्ताद, आपके अंकल का कोई दुश्मन तो नहीं है? मेरे मुर्गे से मिलने को बेकरार हो गई।
गरीब की मदद की जो हिम्मत अफजाई की, इसका अल्लाह आपको इतना नेक अजर देगा, देखना मैं इतना खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। लेकिन उस कमीने की खबर जरा मुझे बताइए। अच्छा, तो मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है, मुझे क्यों पीटा जा रहा है कुकु भाई? आपको नहीं पता आपको किस लिए पीटा जा रहा है? अरे यही जानने के लिए तो ये बंदा पीट रहा है मेरे भाई। अबे ओ सीधे सीधे बता, तूने काजल को कहाँ छुपा के रखा है? अबे हुंडे, और जनाब आपने किस पे इल्जाम लगाया? बदले खा पे, वो भी काजल के मामले में। अगर ये मुझे हरकत करनी होती इतनी घटिया इतनी चिचोरी, तो मैंने उस वक्त किया होता जब काजल स्कूल जाया करती थी और मैं उसके स्कूल के सामने रिक्शा लगाए उसका इंतजार किया होता। इतनी अदना और इतनी घटिया हरकत को आप मुझसे मंसूब कर रहे हैं? इसके बावजूद अगर आपको यकीन नहीं आता मेरे भाई, तो ये रहा जूता, ये रहा मेरा सर, तुम साझे यार मेरा। ठीक कह रहे हैं भाईजान, भाईजान हमें माफ कर दिया, गलती होगी भैया, क्या करें, हम लोग परेशान हैं। चल भाई जग्गो वहां ढूंढ रहा हूँ, गलती हो गई, माफ कर भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सुनो उस्ताद। हेलो, तलाश जारी है भाई। अरे मुझे कहाँ टेंशन के बगैर नींद आती है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। हाँ, जैसे पता चलता है मैं खबर कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई है बाद में। हाँ आपके पास मैचेस है? काजल जी, आप लोग किसी से कहिएगा नहीं है, मैं टच में रहता हूँ, मैंने घर ले जा रहा हूँ।
कैसी हो बेटी? क्या बेटी? ए तू कौन है? ये बेटी बेटी कहके रोकड़ा नहीं मांगना। ये आपसे रोकड़ा नहीं मांग रहे हैं, ये आपकी तबीयत पूछ रहे हैं काजल जी। काजल? ये काजल कौन है? आप ही ना काजल है। कौन काजल? कहाँ की काजल? मेरा नाम रानी है, रानी। समझे? रानी? हेलो हेलो एस अंकल जी, काजल का फोन है उसको। जी वो वॉक पे गई है। उल्लू के पट्टे दोपहर में मॉर्निंग वॉक पे गई है। हाँ जी, आजकल तीन टाइम वॉक पे जा रही है ना, सुबह दोपहर शाम। इसके काफी फायदे भी हैं। पहले फायदा तो ये है। फायदे तुम गिनो, मैं इस वक्त कानपुर से नहीं कनाडा से बोल रहा हूँ, और उसका मोबाइल ऑफ है, उसे बोलो मोबाइल ऑन करे। जी मैं कह दूंगा। अरे वाह, मामा ने मेरे कमरे में घड़ी भी लगा दी। ये कौन है? ये मैं कहाँ आ गई? ये बूढ़ा कौन है? ये तो मेरा कमरा नहीं है। बिटिया काजल, ई लो गरम गरम चाय पी लो। गर्मा गर्म चाय? हाँ। क्या तुझे मालूम नहीं मैं चाय नहीं पीती? और चाय पीना भी नहीं चाहिए, उससे खट्टी डकारें आती है, हाथ में खराब होता है, भूख नहीं लगती। जाओ ठंडा दूध ले आओ। जाओ। दूध? दूध तो छोटी बच्चियां पीती है, मैं तो फुल जवान हूँ। देखो, अबे ऐसे क्या देख रहा है? जा जाकर फटाफट ठंडी बियर लेकर आ। बियर? क्यों, इतने बड़े घर में एक बियर भी नहीं है? चल छोड़, फटाफट एक सिगरेट पिला। लगता है रात किसी पार्टी में जमकर टुन हुई है आप। उतरी नहीं कल की? रात में कुछ ज्यादा ही हो गई थी, उसी के उतारे के लिए तो मांग रही हूँ, दे भी नहीं रहा है। मेज पे मैंने खाना लगा दिया, आप चल के खा लीजिए। हाँ, हाँ, खाना खा लेते, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। आज आप कैसी बातें कर रही काजल बिटिया? ए, तेरे को बोला ना मैं कोई काजल राजल नहीं हूँ। चल छोड़ दे रास्ता, चल जाने दे मुझे। ये तीन दिन से गायब है आप। आपको पता है हम लोगों ने दिन रात खाक छानी तब आप मुझे मिली, आपको ऐसे जाने दूं? हैं? तो किसकी माँ ने दूध पिलाया जो रानी का रास्ता रोक सके? चल जाने दे मुझे। हा? मामा राह देख रहा होगा। मामा? फल्लू चाचा, पांडे, इन्हें संभालो, मैं भी आता हूँ। चलो चलो चल बैठ जाए। अब मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा यार? आयो अन्ना, किसी बैंकर चुड़ैल का हाथ है। या खुदा या अल्लाह, उस मासूम बच्ची को ना जाने। अरे क्या ना जाने, मासूम बच्ची नहीं है वो, जगह के अंगड़ाई ले रही थी विपदावासु की तरह। ये मुझे तो लगता है कोई जिन इनका साया उस पर है। नहीं भैया जिन नहीं, हमें तो लगा था होके कोनो चुड़ैल पकड़ लिए बा। किसी तांत्रिक को बुलाओ। कोई तांत्रिक बाबा है यहाँ? हाँ बाबा बैंकर नाथ, बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक ना है वो। क्या नाम बताया आपने? बाबा बैंकर नाथ। बाबा भयंकर नाथ, नाम इतना भयंकर है तो बाबा कैसा होगा? भयंकर नाथ, वो पोकेमॉन पिकाचू,
वो पोकेमॉन पिकाचू तू कर दे सबको छू 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 आ गए बाबा आ गए भयंकर नाथ भयंकर नाथ खोपड़ी आंख में कंकर वज्र खोपड़ी आंख में कंकर इसलिए है नाम भयंकर चिलम जला दे फूंक दे हुक्का दे दे मुझको जाम आज मैं करके जाऊंगा इसके सारे काम तमाम तो गए ये असली थे या नकली थे असली था मिर्ची दे अयो अन्ना पहुंचा बराबर मारो मारो उधर लिंबू उधर सिंदूर जे ए रामा तुम्हारे बाप का हम नौकर नहीं है तू मारा हमारे एक तो कमर एकदम अकड़ गई है हाँ तारी कमर टूटी नहीं तूने तो हलवल्ला बाबा को बुलाने की सलाह दी थी यहाँ पे और कैसे सर पे पैर रख के भागा तेरा हलूल्ला बाबा अयो अन्ना भयंकर नाथ बोला जे भयंकर नाथ भयंकर भयंकर कोई नहीं है भयंकर तो वो है जो इस कमरे में है अयो अन्ना कल मैं चिनाई गांव जाएगा उधर से ओजा सरकप्पा बाबा को लाएगा वो बेबी का भूत जरूर उतारेगा जे अबे यहाँ कोई अड़कप्पा सरकप्पा बाबा नहीं आएगा समझे दरअसल उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको दिमागी बीमारी है दिमागी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा दैट्स ऑल लेकिन भैया
हमने तो सुना है कि जो दिमागी डॉक्टर होता है वो मरीज को बांधकर बिजली का झटका ना देता है। ठीक सुना है तुमने, बिजली के चार झटकों में इस काजल के अंदर जो रानी बैठी है वो ऐसे गायब हो जाएगी, देखते रहे। ये सारे मिलकर तो मुझे पागल खाने ले जाएंगे। पागल खाना, बिजली के झटके, ओह माय गॉड, मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। भाई भाई वो अपना असलम है ना। अरे कुत्ते की तरह काय को हाँफ रहा है, जल्दी से भौंकना। भाई अपना असलम पान वाला है ना, वो वदा रहला था, उसने परसों रात को रानी को देखा था, वो दारू पी के पूरी टून थी भाई, और तो और उसने 100 का नोट देकर सिगरेट का पैकेट भी खरीदा था और बाकी के पैसे भी नहीं लिए भाई। ये लो बाकी के पैसे लाओ भाई। पैसे लाया, छुट्टा लाया, लड़की को नहीं ढूंढ रहा है। रानी क्या मामा, इन चिड़ी के चौके पर छक्के पे छक्के मारे जा रहा, देख मैं आ गई। कहाँ मर गई थी तू, दो दिन से मैं सुई की तरह तेरी तलाश कर रहा था। ये हराम तेरी तलाश में पूरी की सड़कों पर पोछा मारा लेकिन तू नहीं मिली। हाय क्या हुआ था रानी? पूछ मत मामा, बहुत बड़े पंगे में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग गई हूँ। वो साले तो मुझे पागल खाने भेजने का पूरा प्लान बना चुके थे। कौन थे वो साले, उनका नाम मुझे पता। सबके सबको लंगोट बांधकर गोमती की नदी में बहा दूंगा मैं। जा रहे मामा, सब अकल से पैदल थे, मुझे उस बंगले की मालकिन समझकर उठा के ले गए। बंगला मालकिन, रात की उतरी नहीं क्या? सच कह रही मामा, तू खुद देखेगा ना चकरा जाएगा। उस बंगले के मालिक की बेटी और मेरी शक्ल हूबहू मिलती है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं आईने के सामने खड़ी हूँ, मैंने खुद उसकी फोटो देखी है। इसीलिए सब लोग धोखा खा रहे थे, पता नहीं क्या काजल बिटिया बिटिया रानी करके दिमाग चाट गए साले मेरा। अब तू ही बता मामा, कहाँ वो करोड़पति बाप की बेटी काजल और कहाँ मैं, दो कौड़ी का मामा और दो कौड़ी की भांजी। दो कौड़ी की भांजी नहीं है तू, दो अरब की है। क्या मतलब? क्या नाम बताया तुमने उस बंगले के मालिक की बेटी का? काजल। काजल अब कहाँ है वो? पता नहीं, शायद मुंबई छोड़ के भाग गई। कहीं नहीं भागी है वो यहीं में है। क्या बात कर रहे हो मामा, सारा घर उस काजल के लिए परेशान है, भाग चुकी है वो। मुझे मालूम है कहाँ है वो काजल। अरे मैंने कहा था उस पे निगाह रखो, उसको बांध के रखो। गजब हो गया यार, लड़की है उड़द दस्तरी है फिर भाग गई ना। अरे काहे खटखट मचाए हो, कौन है भाई, का है? क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर श्रावण कुमार। इंस्पेक्टर साहब, बात है। पुलिस इंस्पेक्टर आए तो वो कुछ पूछना चाहते हैं। अब साहब तो है नहीं, आप ही कुछ बता दें। अच्छा तो क्या मैं डरता हूँ क्या? चल 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 करो। बंगला तो बहुत बड़ा है जी। मैंने कहा बंगला तो बहुत बड़ा है जी। सही कह रहे हैं आप, ये बंगले का मालिक भी बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे लोग रहते हैं यहाँ। तुम भी यहीं रहते हो? नहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरे अंकल का बंगला है, वो कनाडा गए हुए। आपको यहाँ कैसे आना हुआ जी? मैंने सुना है इस बंगले का जो मालिक है उसकी जो बेटी है वो लापता है। क्या नाम है उसका? काजल। काजल नाम है साहब, रात को यहाँ थी, सवेरे न जाने कहाँ गायब हो गई। साहब तुम सब लोगों ने मिलकर किया उसे। मेरा नाम है श्रावण कुमार, CBI ऑफिसर, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। बोल अंकल के भतीजे, क्या प्लान रचाया तूने? बोल। पहले आप बताइए आप यहाँ कैसे आ गए हैं, हमने तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। हम पुलिस वालों के पास कुत्ते भी होते हैं जो सुनकर बता देते हैं कि कौन किधर गायब है। हट, हट। ये सूंघने वाले पहली बार देख रहा हूँ दो पैरों पे, लगता भेष बदल के आए। बंद कर और मुझे बताओ कि तुम सब लोगों ने मिलकर काजल को किधर गायब किया है? हम शरीफ आदमी जी। अरे साहब हम लोग पहले से परेशान हैं, आप और परेशान मत कीजिए, आप काजल जी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग जो... जी मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आप ही की तलाश में आई है। अरे आप तो आ गई, अरे आ गई। तुम कहाँ चली गई थी बिटिया?
मैं जरा टहलने चली गई थी और टहलते टहलते जरा दूर निकल गई थी चाचा। चाचा ये का मतलब ये हम सबको पहचान ना रही है। आपका दिमाग खराब है, ये सब क्या बातें हो रही है? आयो सामे बेबी का भूत उतर गया जे। अबे भूत आप पे चढ़ा है रामा। कुकु ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ होना था हो गया है। आप आई बाहर आ गई साहब, आप अपने कुत्ते को ले जाइए, मेरा मतलब है आप अपनी टीम को ले जाइए। काजल जी तो आ गई, थैंक यू जी। देखिए मैं इनका बयान ले रहा हूँ अकेले में। अच्छा तब तक आप सब लोग यहीं खड़े रहिए। जी 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 आइए मैडम। अच्छा ये समझ अली बाबा की तरह तू गुफा में दाखिल हो गई है, बस उस अंकल के आते ही खुल जा सिम सिम बोल और सारा पैसा लेके दौड़। लेकिन मामा उस बुड्ढे के आने से पहले उसकी बेटी आ गई तो मेरा क्या होगा? अगर उसको आना होता तो आप तक आ जाती। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आदमियों से बोलता हूँ कि बंगले के बाहर नजर रखे। तू बस एक काम कर, तू अंदर के बंदों पर नजर रख और खास तौर से बुड्ढे के भांजे कुको है ना उस पर, उसको आका बाटली में उतार ले, मुझे वो चालू पुर्जा लगता है। मामा तो तुम्हारी भांजी कुछ कम है क्या? उसे तो मैं इस तरह बॉटल में उतारूंगी आप देखते जाओ। चलो अब यहाँ से फूट लो। भैया ये कतरा बकत हो गया, इन इंस्पेक्टर सब अभी तक बाहर नहीं आए। तो क्या मैंने भेजा? उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, कुछ पूछो तो कुछ जवाब देती है। लगता है उनकी यादाश्त कमजोर हो चुकी है। मैं फिर आऊंगा जी। आप जरूर आइए, आपके सारे सवालों का जवाब मेरे अंकल जी देंगे, उनकी यादाश्त बहुत स्ट्रांग है। अरे स्ट्रांग तो हो भाई, कैरी कितने बड़े वकील है, हमार केस लड़े तक हुए हमार। कब तक आएंगे वो? जी वो एक दो दिन में आ जाएंगे। ठीक है मैं दो दिनों के बाद आता हूँ, उनसे कहिएगा कि इंस्पेक्टर सावन कुमार जी आए थे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, गलती हर एक से होती है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है, रोने के लिए चुप हो जाओ चलो। दरअसल उस रोज मैं अपनी सहेली रानी के यहाँ गई थी, उसने पता नहीं कोक में क्या मिलाकर पिला दिया और उसी की वजह से सब होता है। होता है, लड़कियाँ सहेलियाँ आपस में मजाक करती रहती हैं, इसमें कुछ बड़ी बात है, बुझाइए। ओके मैं नहीं भूल सकती, डैडी को पता चलेगा तो क्या होगा कुकु जी? आप रोना बंद कर दो, डैडी को कुछ पता नहीं चलेगा और घर के नौकर भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। अरे वो लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। कुको तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आज पता चला मैं बहुत अच्छा हमाल भी हूँ। तुम कमाल हो। अरे कमाल तो तुम हो, तुमने मेरे सर से बोझ उतारा है। वो कैसे? तुम सही जगह पर आई हो, अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, अब मैं सुकून से बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल जाऊंगा। नहीं नहीं जब तक डैडी नहीं आते आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे डैडी आ रहे डैडी आ रहे yes! कब? अरे ड्राइवर तो लेने भी गया है। श्रीमान प्रवास कैसा रहा आपका? प्रवास सफर सफर तू सीधे बोलना, मैं यूं करके शुरू होने जा रहा था। अच्छा एक बात बता, ये काजल मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देती? मैं फोन करके थक गया, कहीं उसका मोबाइल चोरी तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, तूने तो नहीं चुराया? नहीं श्रीमान हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं मैंने सुना है तेरे बारे में तू ऐसा करता नहीं, है। नहीं श्रीमान हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। एक बार बता वो कुकू मेरे दोस्त का बेटा आदमी कैसा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? रोको रोको, अरे साहब रुकिए 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 रुकिए। क्या हुआ भाई, क्या है, क्या आफत आ गई तुम पर? आफत नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर हमारे साहब को बांद्रा छोड़ देंगे अति कृपा होगी साहब। मियां जो आप बांद्रा जाने के लिए मैं कह रही, हमको उल्टा पड़ेगा, हम इस तरफ जा रहे हैं, हम उल्टा क्यों जाए? अरे भाई मैं आपको दुगना दूंगा। एक मिनट जहमत दूंगा, जरा इंतजार फरमाइए। हां जी जरा बाहर आइए आप। अबे बाहर आना ड्रैकुला। अरे मुझे कहां पे साथ में छोड़ रहे हो, मुझे मेरे घर छोड़िए ना। घर छोड़ू? हाँ उधर देख, उनके लिए मैं दुनिया छोड़ दूं, मैं तेरे को तेरे घर नहीं छोड़ूंगा। ये तेरा अरे 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 बैग ले और दफा। अरे क्या आदमी है? आई आई दुनिया ना, हम वहाँ लेके आ जाएंगे साहब। अच्छा बैठ। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, ऊपर वाले ने रहम। अबे रिक्शा चला रहा, टांगा चला रहा, चुप कर मेरा दिमाग ज्यादा ना खराब कर। अबे मेरे हाथ पर टूट जाएंगे, तेरा सत्यानाश हो। अबे मगर अरे बच के जाओगे? अबे अबे कहीं घुसेड़ देगा।
ये कहाँ लेके आ गया तू मुझे? अबे नन्ने, वो चक्कू, वो कालू, ये वो हस्ती है जिसके मैं तमल जी को बुला रहा है। पड़ता था, हाथ आ गया, जरा हाथ हाथ दिखा उसको। अरे ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, इसे बजाओ। बजाओ मतलब? बजाओ मतलब तेरी शामत है आज। बजाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अबे मैं कोई हारमोनियम हूँ? अबे कहाँ उठा के ले जा रहा? साहब तो 5 बजे आ जाती थी, आज इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए। मेरा दिल तो परेशान हो रहा है। हाय हे भगवान, नटू आ गया। या अल्लाह, अंकल कहाँ है? अंकल, अरे श्रीमान तो रक्षे में बैठ के घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे भैया। रक्षे में? हाँ। क्या ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं गया? अरे वाहन में बाधा उत्पन्न हो गई थी, हमने रक्षे में उन्हें भेज दिया था ना। पर वो तो आए नहीं। आज हमारी तारीख थी, लागा तो साहब कचहरी में। अबे आधी रात को तेरे बाप ने कचहरी लगाई है, तेरी अम्मा का केस चल रहा है क्या? कि मिलका भोंगा है? अबे मिलका भोंगा नहीं है, लोगों ने मार मार के मेरी कितनी खराब हालत कर दी। खाने को भी कुछ नहीं दिया, कुछ खाने को दो ना। ए भिखारी चुप, मैं तेरे खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, चल उठ सब पर से उठ। अरे मियां, भीख मांगने का कोई वक्त होता है? आधी रात को भीख मांगना है? इतना जुलूम मत करो यार। ये लो भाई, ये पैसे रख लो और जाके किसी होटल में खाना खा लो। जाओ भाई, ये शरीफों में घर है। तू भिखारी समझता है? तू भिखारी, तेरा बाप भिखारी, तेरे बाप का बाप भिखारी। अरे अरे अरे, हमें ऐसा आभास हो रहा है ये वाणी हमारे श्रीमान जैसी है भैया। अरे हमहू के लगे थे कि हमारे साहब बोला थे। हमें तुम लोगों को गोली मार मार के तुम लोगों की खटमल जैसी हालत कर दूंगा। आराम करो, मैं इस घर का मालिक विद्यापति सेठ बोल रहा हूँ। अंकल अंकल, ये आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? किसने कर दी? लगन, तू इधर आ। जी। उल्लू के पट्टे, तूने मुझे उसकी दिशा में क्यों बिठाया? अरे वो मुझे खंडर में ले गए। साहब, अचानक उसके साजिंदे आ गए। अंकल साजिंदे? अबे वो घटिया कव्वाले, उसने और उसके 150 साजिंदों ने मिलकर वो मुझे चैरिटी शॉट मारे। ऐसा मारा जैसे साले वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बांग्लादेश के बॉल की पिटाई कर रहे हो, मार मार के, मार मार के। शायद मैं उसको जानता हूँ। तू जानता है? हाँ। तू मुझे इसका पता बता, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर को अपने सर पे लगाता हूँ। पैर तो यहाँ है। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। क्या कर रही? एक बार पता बता दे, मैं उसको 700 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 700 साल ज्यादा है, चल 70 साल के लिए अंदर करा दूंगा। 70 साल का होता है? अभी तेरा बाप लगता है क्या? मैं कितने भी साल के लिए अंदर कराऊंगा। कुकू जी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, किसे अंदर कराने की बात हो रही है? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन है ये? डैडी डैडी डैडी, इस किस्म के डैडी? इस किस्म के डैडी? डैडी डैडी की भी किस्म होती है? अबे लाना दे दी जिंदगी पर यार। मतलब बेटा, ये जब इंसान का बुरा टाइम चलता है ना, तो उसकी खटिया में से खटमल की जगह बिच्छू निकलते हैं, हवा में मच्छर की जगह सांप तैरते हैं, सबने मिलकर मेरे डस लिया, लाना दे दी पे यार। लेकिन आपकी हालत? तू चिंता मत कर बेटी, मैं ठीक हूँ। पैसे वापस कर, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ। अरे 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 अरे, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं आप? आधे घंटे से खांस रहे हैं, काली खांसी होगी आपको, डॉक्टर को दिखाइए, फेफड़े सड़ जाएंगे, सर पड़ जाएंगे। सुबह सुबह किसका मुंह देके उठाऊं? अबे तू यही सब बोलने आया था? मैं तो बोलने आया था कि वो फैक्ट्री की जगह मैंने देख ली है और कल सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आपके प्रोजेक्ट पे अगले हफ्ते मैं काम करूंगा। तुम ये सब छोड़ो, तुम अकेले क्यों आए हो? काजल कहाँ है? काजल तो निकल गई, जैसे आप निकल गए वैसे वो निकल गई। कह रहे थे मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? हाँ। यानी फिर पैसों का जुलूस निकलेगा? आपको क्या, कभी अकलौती बेटी है, लेटर एंजॉय। मेरे पास हराम की कमाई है ना। वो तो है। फोन। डैडी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटी। डैडी मेरी एक सहेली की एंगेजमेंट है, मैंने कुछ ज्वेलरीज खरीदी है, पेमेंट करनी है। तो कर दे, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना? जी वो घर बुलाई है ना?
जिया जिया। कितनी पेमेंट है भाई? 1.5 लाख। ठीक है बाबा, मैं 1.5 लाख का चेक कुकू के हाथों अभी भिजवा देता हूँ। लव यू डैडी। हाय स्वीटहार्ट, अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे कसम से मैं तो पूरे कपड़ों में पहचान ही नहीं पाया। अरे आज तो गजब ढारी हो रानी। मैं रानी नहीं हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, तू रानी कहाँ है? तू तो टोनी के दिल की महारानी है। कुछ दिन बाहर में उल्लू बनाकर चलती बनी है। आज नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ, चल चल चल। हाँ छोड़ मेरा। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेंगे? इनको जो करना है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सिग्नल पर बिठा दूंगा। छोड़ दिया ले, छोड़ दिया। अब तू बता बे, तू बेचता क्या है? बेचता क्या, मैं कोई फेरी वाला लग रहा तुझे? अब है कौन बोल? ओ मेरी तारीफ। वैसे मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय धुमाले कहते हैं। अरे साहब, मैं आपका बच्चा टोनी 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 तलवार साहब। तलवार? हाँ? तो मैन में रहना, बाहर क्यों आता है? हाँ, साहब। सुन तलवार, आइंदा याद रखना ये कमीज सलवार। ठीक है? हाँ, साहब। चल, चलता हूँ साहब। निकल। जय हिंद साहब। साहब जय हिंद। कैसी रही मेरी एक्टिंग? टू बजे। कौन था ये? पता नहीं कब से रानी रानी कह के मेरे सर में दर्द पैदा कर दिया। सर दर्द का एक इलाज है, वो है चाय। थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शायद आप उसके बारे में सोच रही हो। उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज के बाद तुम्हें देखकर ऐसा भागेगा जैसे ईंट को देखकर कुत्ता भागता है। चल। कुकु जी, मुझे नहीं पीना, प्लीज चलिए यहाँ से। अरे हाय काजल, तू यहाँ और मैं तुझसे मिला तेरे घर गई। मेरे घर क्यों? क्यों क्या, इतने दिन से मिली नहीं इसीलिए। तुझे याद है संगीता की शादी में तूने वादा किया था मुंबई चल के पार्टी दूंगी, भूल गई क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर बोल, पार्टी कब दे रही है? बहुत जल्द। अच्छा, पदवी जनाब कौन है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मिलाओगी? मेरा नाम कन्हैया है, मैं दिल्ली से आया हूँ और आपकी सहेली का मेहमान। ओ तो कभी हमारे घर भी आइए मेहमान बनकर। काजल तू मेरे साथ घर चल, मम्मी तुझे बहुत मिस करती है। हाँ जरूर। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाय विकी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कहाँ? अच्छा ठीक है, तुम पहुँचो, मैं अभी आती हूँ। ओके चल बाय। सॉरी काजल, मैं तुम दोनों को बाद में खाने पे घर जरूर लेके चलूंगी। ओके अभी मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय बाय। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी चली आती। ये रहा आपका चेक। थैंक यू। चलो बैंक चल के इसे कैश करवा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं करवा लूंगी। मैं दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पे जा रहा हूँ। अगर आप चलते तो बड़ा मजा आता। नहीं नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ, ये पेमेंट भी तो करना है। कोई बात नहीं, पापा से कहना मैं देर से आऊंगा, मेरी फिक्र न करें। मैं बोल दूंगी। ओके बाय। तेरी फिक्र किसको है? वाह मामा, क्या खोपड़ी है तेरी। दिल मेरा डरता है।
है क्या करूँ तू बता दे, बेचैनी रहती है कोई दर्द दे की दवा दे। ए बाबू मेरे चला बाबू, मैं तेरी लला बाबू, है इश्क पहला बाबू रे। ए मिस्टर, तुम नहीं तो तुम ही रानी के मामा हो ना? हाँ। मामा जी, दरिया में रहकर अगर किसी से बैर करना ही है तो मगरमच्छ से करना चाहिए, छोटी मोटी मछलियों से नहीं। हाँ, मगर एक बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि कभी मगरमच्छ का सामना ना हो, और आज सामना हो ही गया। मगर कौन हो तुम? क्या अभी मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं रानी नहीं काजल हूँ? जिस काजल को तुम अपनी आँखों में लगाने जा रहे हो ना मामा जी, अपनी आँखें खो बैठोगे, क्योंकि ये काजल किसी तेजाब से कम नहीं। सारा षड्यंत्र तो तुम्हारा रचा हुआ है मामा श्री, रानी तो महज आपके हाथ की कठपुतली है। क्यों? पाप तो हुआ हमसे, लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी, ये तो महज एक इत्तफाक था। काजल जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, तनिक तमंचा हटा लीजिए, हमें बहुत भय लगता है। प्लीज प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम थोड़ी देर और ड्रामा करती ना, फिर तो मेरा दिल है ना, मेरे सीने से निकल कर मेरी हलक पे अटकता, हलक से मेरे मुंह में जाता, फिर मुंह से टपक कर नीचे गिरता, और मैं ये जो तुम्हारा मामा है ना, इधर ही ढेर हो जाता। अरे नहीं मामा, अब तो पूरे 56 करोड़ की चौथाई एठ नहीं है उस बुढ़ों के घर से। ये ले पूरे 1.5 लाख का चेक। 1.5 लाख का चेक? अरे ये तो सिर्फ एक बूंद है, तू जहाँ पहुंची है ना बाबा, पूरा समुंदर बह रहा है। तू अगर 5 लाख का चेक भी बोलती ना, तो वो बड़ो साइन कर देता था। गन्ना कितना भी मीठा हो मामा, छील के समेत नहीं खाना चाहिए, आराम से छिल कर खाना चाहिए, गले में फंसने का डर होता है। मामा। हाँ। कहाँ खो गए? अब मैं ये सोच रहा था कहीं असली काजल आ गई ना, उसके बाद कानून की तलवार होगी और हमारी गर्दन। छोड़ ना मामा, तब का तब देखा जाएगा। मैं तुमको ये बताने के लिए आई थी कि तुम 2 दिन के बाद शाम को बंगले पे जरूर आ जाना, जितना भी सामान है हम समेट कर शहर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों, कैसा रहा प्लान? प्लान तो अच्छा है, लेकिन तू उस प्लान से पहले एक काम करना, उस बड़ाऊ से एक ब्लैंक चेक पे साइन करवा लेना, और उसके बाद रकम हम भरेंगे। वो क्या है, वो बड़ाऊ है ना, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, किसी भी पेपर पे साइन कर देगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर अपने पास अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, 2 दिन के बाद शाम को बंगले पे जरूर आ जाना, मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ। रात हो गई, मैं अब निकलती हूँ, बुड्ढा राह देख रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। क्या एक्टिंग करती है, पिक्चरों में काम करती तो आज श्रीदेवी की छुट्टी कर देती। वाह।
जरी जरी आप अभी तक जाग रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ से आ रही है? डैडी मैं मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, बस उसी में देरी हो गई। इससे पहले जब कभी देर होती थी तो मुझे फोन कर दिया करती थी, आज पहली बार है तूने मुझे फोन नहीं किया। जानती है मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे? डैडी अभी इतनी रात भी नहीं हुई है। रात के दामन में इतना अंधेरा नहीं है जितना मेरे दिल में खौफ का अंधेरा है। एक बाप के दिल पे क्या गुजरती तुझे पता नहीं है, ऊपर से तेरा मोबाइल भी बंद था। सॉरी डैडी, गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती मत करना बेटी। जवान बेटी जब घर से बाहर ज्यादा देर तक रह जाती है तो बाप के कलेजे पर हजार छुरियां चलने लग जाती हैं। कैसे कैसे खौफों के समंदर उसके दिल में मौजें मारने लग जाते हैं। कभी मत करना बेटी, तुझे नहीं मालूम मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। जा, थकी हुई आराम कर। बदले मियां जी साहब, तुम्हें नहीं लगता ये काजल कुछ बदली बदली सी है? बदली बदली सी? हाँ, जब से मैं आया हूँ ये कुछ खोई खोई सी है। मैं कोई बात पूछता हूँ तो घबरा सी जाती है, सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती है। कोई बात नहीं साहब, माशाल्लाह काजल बिटिया अब बड़ी हो गई है, आप उनकी शादी करा दी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने कामों में इतना उलझा रहा कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी के काबिल हो गई है। मैं नन्नू से बात करता हूँ। अच्छा किसका फुनवा है? अरे उठाऊंगा तो पता चलेगा ना, बात करती है। हेलो हेलो, अब याद आई मेरी तुझे? अजय हमरे बात कराओ ना, हमरे कुकुआ से दो ना। तेरी कुकु का फोन नहीं है, विद्या का फोन है। हाँ बोल यार। नंदू मैं सोचता हूँ कुकु और काजल की शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो करना यार, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को मिल भी चुके हैं, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मगर तूने कुकु से बात की है, उसे काजल पसंद है ना? लेकिन यार वो कुछ बताता नहीं है। अच्छी वो शर्मिला है हमरी तरह, है ना? तू शर्मिली है? हाँ। अरे तुझे तो देखने वाले शर्मा जाए। हाँ? बात करती है। हाँ हाँ बेटे मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। वैसे भी काजल को देखने में बहुत देर हो गई यार, कैसी है वो? काजल तो ठीक है, पर तू आजा, हम दोनों को ठीक कर देंगे। हाँ हाँ मैं 5 तारीख को पहुँच जाऊंगा। और सुन कुकू को मत बताना, वी विल गिव हिम अ सरप्राइज। एक ऐसा धमाका करेंगे कि दोनों के होश के तोते उड़ जाएंगे। तू आजा बस। परदेसियों से न पंगा बढ़ाना, परदेसियों से न पंगा बढ़ाना, वरना पड़ेगा बेटा जूते बिखाना। अबे सुन, गाने गा जा रहा है? मैंने सुना तू जा रहा है। आदमी मुसाफिर खाता है खुजाता है, आते जाते रास्ते में खुजली छोड़ जाता है। अबे लकवा हो जाएगा, सीधा खड़े रहे। तूने खुजली की दवा बनाने वाली कंपनी में काम कर लिया, मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता, खुजली बंद हो गई, खुजली कंपनी बंद हो गई, इसलिए जा रहा हूँ वापस। अभी दूसरी खोल लेंगे, इंडिया की खुजलियाँ कभी खत्म होती है क्या? तू एक काम कर, जाने से पहले ये लिस्ट पकड़। ये क्या है? ये सब मेहमानों की लिस्ट है, इसमें मेरे दोस्त भी हैं, तो अपने दोस्तों को भी शामिल कर ले, जिनका नाम मैं भूल गया उनका नाम भी लिख दे और सबको बुला ले। इनको किस खुशी में बुला रहे हैं आप? परसों काजल का बर्थडे है, बहुत धमाल होनी चाहिए उसमें। सारा इंतजाम तेरे हाथ में, धमाल करना, महफिल में रंग जमाना। तो ये बात है तो धमाल भी होगी, रंग भी बरसेगा, होली मुबारक। अबे होली नहीं है, बर्थडे। बर्थडे क्या रंग डालेगा लोगों पे? बता यार। दोस्तों ये शो आपके दिल बहलाने के लिए था, मगर जिस काम के लिए आप हजरात को तकलीफ दी थी और यहाँ इकट्ठा किया था, मैं और मेरा दोस्त उसके मुतालिक आपको खुशखबरी देने जा रहे थे कि आप सुनकर चौंक उठते,
लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा दोस्त इस महफिल में आ नहीं सका। वो आ गया है मेरे दोस्त। अरे मैं सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन तेरे साथ वादाखिलाफी नहीं कर सकता। यार मेरी जान, नंदू हाजिर है। नमस्ते। ये मेरा दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा नंदू, और ये हमारी भाभी राजवंती। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उस सस्पेंस खोल देता हूँ। मेरी बेटी काजल, जिसके लिए आज तक मैं जिया हूँ, उसकी सगाई मेरे बेटे कुकू से तय कर दी गई है। अब मैं कुकू और काजल से कहूंगा यहाँ आए। अरे भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ आइए ना, आपको लाने के लिए आना पड़ता है क्या? चलिए चलो भाई, चल आओ। और तुम यहाँ आओ, चलो अपने माँ बाप के पैर छुओ। माँ बाप? अरे यार विद्या, तू वाकई चटिया गया है। तेरी नजदीकी की नजर भी कमजोर हो गई है क्या? कौन है ये? तू मजाक कर रहा है क्या? अरे तेरा बेटा और कौन है? भाभी अपने बेटे को पहचाने से इनकार कर रहा है। मजाक तो आप कर रहे थे भाई साहब, ये हमारा बेटा नहीं है। हाँ भाई, ये हमारा बेटा नहीं है, हमारे कुकू नहीं है ये। क्या? हाँ ये आपका कुकू नहीं है? नहीं है। ये सच है कि कह रहे हैं तुम कुकू नहीं हो? जी नहीं, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मेरा नाम महेश है। एक मिनट, अगर तेरा नाम महेश है तो मेरे बेटे का ढोंग रचाकर तमाम घर वालों को धोखा दे रहा था तू। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया है। मेरी मजबूरी थी। तेरी मजबूरी नहीं, तेरी साजिश है। मेरे बेटे को अगवा करके तुमने इस घर में क्या खेल खेला है? बता मेरा कुकू कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बता वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं यहाँ हूँ पापा। बच्चा, अरे कहाँ चला गया था तू? और ये कौन है जो तेरी जगह? एक महान कलाकार है माँ, जो गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। मेरा दोस्त, मेरा अजीज महेश। तो ये कलाकार साहब मेरे घर को क्या स्टेज समझ के इस्तेमाल कर रहे थे? कलाकारी तो दिखाने आए थे अंकल, ये दुनिया भी तो एक स्टेज है और स्टेज पर हम कोई ना कोई किरदार निभाते आ रहे हैं। मगर कुकू का किरदार निभाने के लिए आप मेरे ही घर क्यों आए थे? मजबूरी जब जरूरत बन गई तो आना पड़ा। ये दुनिया बहुत बेरहम है अंकल, इसी ने मुझे बेरुपया बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी मजबूरी मेरी माँ थी, मेरी बीमार माँ। डॉक्टर साहब ने कहा अगर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर भी सकती है, 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये कलाकार लाखों दिलों का मनोरंजन करने वाला 3 लाख रुपए जुटा नहीं सका। ऐसे में कुकू मेरे पास आए और मुझसे बोले अगर तुम्हारी कला मेरे काम आती है मैं भी एक बेटा बनकर तुम्हारी माँ के काम आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कुकू बनकर यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ एक कलाकार के लिए गिरी हुई बात है। मैंने अपने जमीर का गला घूम कर जो कुछ भी किया अपनी बीमार माँ के लिए किया। मैं मजबूर था, फिर भी मुझसे कोई गलती हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। लेकिन लेकिन बेटे तुम खुद को नहीं विद्या अंकल के घर आना चाहते थे? हाँ। पापा मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। एक मिनट पापा, एक। पापा सिमरन, सिमरन मेरा प्यार है पापा, इसी के प्यार में मैं काफी आगे निकल चुका था और यहां पर आप मेरी शादी काजल से करा देना चाहते थे। अगर मैं इनकार करता तो पता नहीं आप गुस्से में क्या कर बैठते, एक तरफ आपका क्रोध और दूसरी तरफ सिमरन की वफा। अंकल जब मैं कल घर फोन किया तो मेरा खास नौकर जो मेरा इन्फॉर्मर भी है उसने बताया कि मम्मी पापा मुंबई गए हैं। मुझे लगा कि वो आप ही के पास आए होंगे, अब मामला उलझन में पड़ सकता है और महेश भाई सारे प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं सिमरन को लेकर यहाँ पर आया ताकि आप लोगों का हमें आशीर्वाद मिल सके और माफी भी मांग सके आप लोगों से। आप लोग तो अपने मकसद में कामयाब हो गए मगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। वो तो बगैर शादी की रह गई ना। आपकी बेटी बगैर शादी की नहीं है डैडी। तो दो काजू। डैडी हमने शादी कर ली है,
हम सॉरी डैडी, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। माँ बाप की मर्जी कभी कभी बच्चों के लिए शादी के बाद बेबसी का सबक बन जाती है। डैडी, मैंने अपनी सहेली संगीता को इस मझधार में डूबते हुए देखा। कुकू को मैंने बचपन में देखा था, इसलिए उनके मिजाज को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। आपके कनाडा चले जाने के बाद नंदू अंकल का एक रात फोन आया। उन्होंने कहा कि आपके कनाडा से लौटते ही मेरी और कुकू की शादी कर देंगे, इसीलिए उसी रात में घर छोड़कर इनके पास चली गई थी। वाह, ये है हमारी औलादें जो संस्कार की रेखाओं को पार करके अपनी दुनिया खुद बसाने चले हैं। आशीर्वाद तो मैं तुम दोनों को दिलवा ही दूंगा, लेकिन अगर वक्त ने करवट ली और तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया तो उसका क्या जवाब दोगी बेटा? अंकल, वी आर वेरी सॉरी, हमें हमारी गलती का एहसास है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एहसास के इस अंधे बहरे माहौल में अगर तुम वाकई अपनी गलती महसूस कर रही हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक बात है, ये तो समझ में आया कि महेश कुकू बनकर यहाँ एक्टिंग क्यों कर रहा था, लेकिन मैडम आप किस खुशी में काजल की एक्टिंग कर रही थी? मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं रानी हूँ, एक बदनसीब हालात की मारी लड़की, जिसका ना कोई रास्ता है ना कोई मंजिल। एक रात शराब के नशे में धुन रास्ते से जा रही थी तो ये महेश जी मुझे काजल समझकर उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ मैंने आकर आपके बेटे की तस्वीर देखी और मैं परेशान हो गई और उसी के हमशक्ल होने का मैंने। लेकिन तुम्हें मालूम है किस तरह किसी के हमशक्ल होने का ऐसा नाजायज फायदा उठाना बहुत बड़ा जुर्म है। कानून तुम्हें सख्त सजा दे सकता है। सजा देनी है तो मुझे दीजिए वकील साहब। आप कौन साहब हैं? मैं बहुत बड़ा फ्रॉड हूँ। वो तो दिख रहा है, लेकिन आप हैं कौन? मैं रानी का मामा हूँ। ये तो आपका घर कब से छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको रोक रखा। क्यों? वो क्या है कि काजल की हमशक्ल होने का मैं फायदा उठाना चाह रहा था। मेरी नजर आपकी दौलत पर थी, मेरे कहने पर इसने भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लिया। आज मुझे बहुत बड़ा हाथ माना था, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। इसका कोई कसूर नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पुलिस को बुलाइए, मुझे अंदर करवा दीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए प्लीज। जी तो चाहता है कि तुमको अंदर करा दूं, मगर इंसान का अपने गुनाहों पर पछताना जो है वो सबसे बड़ी सजा होती है। अगर अपने दिल से पछता रहे हो तो तुमने अपने गुनाहों की सजा पा ली। पछता रहे हो? बहुत पछता रहा हूं। तो माफ किया तुमने। अंकल, मैंने भी आपके दिल को चोट पहुंचाई है, मुझे भी माफ कर दीजिए। चोट तो ऐसी पहुंचाई कि मन करता तुझे किसी प्रेशर कुकर में डाल के भून डालूं, मगर तूने जो काम किया है वो अपनी माँ के लिए किया है, नेक काम किया है, इसलिए माफ कर देने के लायक है। वैसे भी तेरा कैरेक्टर एक आईने की तरह साफ सुथरा है, ना तूने आईने को मैला किया, ना अपने हाथ मेरे दौलत पे साफ किए। माफ किया। नमस्ते। वाह महेश भाई वाह, इस दोस्त को इतना मतलब ही समझा आपने। मेरा इतना बड़ा काम किया, क्या मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊंगा? मेरी माँ जैसी आपकी माँ को सही सलामत हॉस्पिटल से लेकर आया। आइए माँ जी। माँ, ये लो अपनी अमानत। जाओ, जाओ माँ जी। माँ चलो बेटा घर चले। हाँ माँ।